आप देख रहे हैं आपका बाजार, दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश अग्रवाल हैं और लोकेश उपल हैं, जो आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। फेसबुक के जरिए एक और सवाल इनफैक्ट हमें भेजा है रोहित ने मुंबई से, और क्वेरी है इनके एचएमटी पर। एचएमटी के शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और अभी आउटलुक जानना चाहते हैं, आपके कॉमेंट्स लेंगे। राजेश, एचएमटी में ये निवेशित हैं और जो परचेजिंग प्राइस है इनका वो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मतलब फंडामेंटली अगर बात करें तो एचएमटी को लेकर आपका आउटलुक क्या है, क्या करना चाहिए इनको? इनफैक्ट 14.75 रुपए की इनकी बाइंग है, स्टॉक 35 रुपए पर आ चुका है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है ये और उन लकी इन्वेस्टर्स में से हैं जिन्होंने एचएमटी जैसे शेयर में मुनाफा कमाया है। बिल्कुल सही कहा दीपाली आपने, कुछ लकी इन्वेस्टर्स ही ऐसे हैं जो एचएमटी जैसे शेयरों में मुनाफे में हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बेहद ख़राब हैं, गाय बगाए न्यूज़ आती हैं कि सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलेगी, उस समय ये स्टॉक चलने लगता है। ये बहुत अच्छे मुनाफे में है, पूरा नहीं तो कम से कम आधा बेच लें, मेरी तो ये मानना है कि पूरा ही बेच लेना चाहिए, बट चूंकि अगर ये रखना भी चाहें तो आधा तो मुनाफा वसूल कर लें ताकि इनके जो घर के पैसे लगे हुए हैं वो आ जाएँ। ऑलराइट, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं, मुंबई से संदीप ने हमें कॉल किया। नमस्कार संदीप, पूछिए। हाँ मैडम, नमस्ते। मैंने 23 नौ को एक्सिस बैंक 562 में लिए थे, तो अभी क्या करना चाहिए, कब तक के लिए रुक सकते हैं? मैडम 3-4 महीना। 3 से 4 महीने का आपका नजरिया। एक्सिस बैंक में हमने निवेश किया है 562 के लेवल्स पर, फिलहाल 477 का लेवल देखने को मिल रहा है और कुछ नुकसान में है। क्या सलाह देंगे लोकेश आप इनको एक्सिस बैंक पर? देखिए साक्षी जी, फिर लुक एट चार्ट्स ऑफ एक्सिस बैंक आफ्टर द रिजल्ट्स, वी आर सीइंग अ हैवी सेल ऑफ इन द स्टॉक, और कहीं ना कहीं स्टॉक एक सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 450। लेकिन अभी भी जो इसका दायरा है वो एक बेरिश फॉर्मेशन में बना हुआ, जो इंडिकेट करता है द स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू स्लिप डाउन टू द लेवल्स ऑफ 430 to 420 ऑन द डाउन साइड। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी सर, सेल ऑन राइज की नीति को अपना, इफ यू सी द स्टॉक कैन गिव यू टेक्निकल बाउंस बैक क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 490 to 500, वहाँ पर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो फर्दर सेल ऑफ देखा जाएगा वो उसको पुल डाउन कर सकता है टू द लेवल्स ऑफ 430 to 420 ऑन द डाउन साइड। एसएमएस के जरिए सवाल मिला है राकेश का मुंबई से, गैमन इंडिया पर इनकी क्वेरी है। इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है राकेश, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए अपना। सर मेरे पास गैमन इंडिया का शेयर 10,000 से 16 के रेट पे, तो क्या करना चाहिए मुझको? ठीक है, इनफैक्ट राजेश ये भी एचएमटी जैसे ही, जैसे अभी एचएमटी पर क्वेश्चन आया था वैसे ही गैमन इंडिया पर है, उन लकी इन्वेस्टर्स में से हैं जो कि गैमन इंडिया जैसे वेल्थ डिस्ट्रॉयर में मुनाफे में बैठे हैं। 5 रुपए की खरीद, स्टॉक 14.5 रुपए पर है। बिल्कुल मुनाफा वसूलना चाहिए, पूरा नहीं तो आधा तो बिल्कुल वसूलना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था, घर के पैसे कम से कम निकाल लें, कंपनी के फंडामेंटल्स बेहद ख़राब हैं, सिर्फ ऑर्डर बुक 18,000 करोड़ की है, लेकिन अगर नंबर्स देखें तो ऐसी कोई उत्साहजनक नंबर नहीं है जो इस कंपनी में निवेश किया जाए, सेल की राय रहेगी जी। चलिए तो फिलहाल जो भी मुनाफा आपको हो रहा है उसे बांध लें, यही सलाह आपको दी जा रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास एसएमएस के जरिए एक सवाल आया है अरिंद कुमार का, और ये जानना चाहते हैं पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। 600 शेयर्स हैं इनके पास, 41 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, फिलहाल 37.75 पर ये शेयर चल रहा है, फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन आज ये शेयर दिखा रहा है। लोकेश ये शेयर कैसा लगता है आपको, और इनका अगर मीडियम टर्म का नजरिया हो तो क्या राय रहेगी? देखिए साक्षी, हम इसके चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन अ वेरी कंसोलिडेटेड रेंज विद द सपोर्ट जोन इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 33 रुपीज एंड द अपसाइड इज कैप क्लोज टू लेवल्स ऑफ 44। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, एनी अपसाइड कैन गिव यू क्लोज टू लेवल्स ऑफ 45 to 46 विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बुक योर प्रॉफिट्स, तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। फेसबुक के जरिए सवाल आया है कल्पेश का, और सवाल है इनका शारदा एनर्जी पर। स्टॉक हालांकि आज 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है 230 के लेवल्स पर, लेकिन इनकी जो निवेश है शारदा एनर्जी में वो 240 के भाव पर है, इसलिए राजेश इनको नुकसान हो रहा है 10 रुपए के आसपास का, क्या करना चाहिए? इनफैक्ट राजेश तक ऑडियो शायद नहीं जा रहा है। लोकेश आपकी क्या सलाह है, 240 की खरीद है, 10 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है?
देखिए दीपाली, अगर शारदा एनर्जी की चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी ए बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न ऑन द लॉन्ग टर्म सीरीज, जो साफ साफ इंडिकेट करता है द स्टॉक हैज बीन कंसोलिडेटिंग फ्रॉम द टॉप लेवल्स। आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, यू कैन सी अ फर्दर अपसाइड इन द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 370 टू 380 इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। ऑलराइट, चलिए ठीक है, बीटीसी इंडिया फाइनेंशियल को लेकर और साथ ही शारदा एनर्जी दोनों को ही लेकर आपको राय मिल चुकी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक और सवाल आया है, पूर्णिमा का सवाल आया है फेसबुक के जरिए और ये जानना चाहती हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट के बारे में। चलिए इनका सवाल देख लेते हैं कि क्या सवाल है इनका जो फेसबुक के जरिए हमें मिला है। पूर्णिमा ने ये सवाल पूछा है, श्री इंफ्रा पे इनका सवाल है, माफ कीजिएगा, 2000 शेयर्स हैं इनके पास, 83 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई है और फिलहाल कुछ नुकसान में है। 76.20 के भाव पर करंट प्राइस देखने को मिल रहा है, 1.5% तक के आसपास की तेजी शेयर पर आज देखने को मिल रही है। लोकेश, आपकी राय क्या होगी श्री इंफ्रा को लेकर? देखिए साक्षी जी, अगर श्री इंफ्रा के चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी ए गुड सपोर्ट इन द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 72 एंड 73। अच्छा, वहाँ से स्टॉक ने रैली करना शुरू किया तो 92 से 93 के लेवल्स को रीटेस्ट किया एंड बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशंस यहाँ पे थोड़ा सेल ऑफ देखा जा रहा है। देयर कुड बी सम टर्न अराउंड इन द कंपनी नेक्स्ट 6 to 3 मंथ्स। अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिए, यू कैन सी ए फर्दर अपसाइड इन द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 100 रुपीज एंड कीप अ वेरी स्ट्रिक स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 72 एंड 70 टू अवॉइड एनी फर्दर लॉसेज इन योर इन्वेस्टमेंट्स। SMS आया है सूरज का दिल्ली से, फेडरल बैंक पर 455 शेयर्स हैं, 77.78 इनका बाइंग प्राइस है। राजेश, फेडरल बैंक क्या करना चाहिए? हाल ही के जो नंबर्स आए थे वो भी स्ट्रॉन्ग रहे थे और ज्यादातर एक्सपर्ट्स काफी कंफर्टेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फेडरल बैंक पर। इनफैक्ट राजेश जी से बातचीत भी नहीं हो पा रही है। लोकेश, आपके कॉमेंट्स? अगर हम फेडरल बैंक के चार्ट को स्टडी करते हैं दीपाली जी, तो यहाँ पे कंटिन्यूशन बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न इंडिकेट करता है, स्टॉक हैज अ गुड सपोर्ट्स फ्रॉम द लेवल ऑफ 68। अपनी पोजीशन में बने रहिए, यू कैन सी अ फर्दर अपसाइड इन द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 85 टू 90 नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। एक और दर्शक का सवाल आया है हमारे पास फेसबुक के जरिए, अतनु का ये सवाल आया है, BHEL को लेकर इनका सवाल है। देख लेते हैं इनके पास कितनी क्वांटिटी है। 1000 शेयर्स हैं BHEL के, 142 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की हुई है फिलहाल, लेकिन देखा जाए तो 134 के लेवल्स पर ये शेयर चल रहा है, 134.50 के लेवल्स पर, तो कुछ नुकसान में जरूर है। आज 0.5% तक का उछाल इस शेयर पर देखने को मिल रहा है। कैपिटल गुड स्पेस से कुछ अभी सपोर्ट मिल रहा है बाजार को, हालांकि राजेश जी क्या सलाह देंगे BHEL पर आप इनको? देखिए, लंबी अवधि का अगर नजरिया है, बिल्कुल बने रहे स्टॉक में। हमारा ये मानना है कि अगर 1.5-2 साल तक कोई स्टॉक में बने रहता है तो हमें आश्चर्य नहीं होगा कि मौजूदा स्तर से 30-40% के बढ़त देखने को मिले। बट आपको लंबी अवधि का नजरिया रखना पड़ेगा। जो भी नेगेटिव थे ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो चुके हैं, बिल्कुल बने रहे, नए दर्शक खरीदारी भी कर सकते हैं। प्रतिभा इंडस्ट्रीज पर एक सवाल भेजा है राकेश ने पश्चिम बंगाल से, 4200 शेयर्स इनके पास और जो खरीद भाव है वो 1650 रुपए का है। लोकेश, क्या राय देंगे आप? दीपाली जी, यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में, इट वोंट बी राइट फॉर मी टू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। राजेश जी, आप कुछ राय देना चाहेंगे प्रतिभा इंडस्ट्रीज को लेकर? 4200 शेयर्स हैं इनके पास, 16.5 का इनका परचेजिंग प्राइस है। देखिए, सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। अगर आप देखें तो 125 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, जिस कारण से HNI और इंस्टीट्यूशंस जो कैटेगरी है वहाँ पर इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो है। इस तिमाही में, जून की तिमाही में अच्छा खासा लॉस आया था कंपनी में। फंडामेंटली ऐसा कुछ भी नहीं है स्टॉक में जिसमें इसमें बने रहा जाए। मैं कहूँगा निकल जाए तो बेहतर होगा। चलिए, राय आपको दी गई है प्रतिभा इंडस्ट्रीज पर। अब फिलहाल इतनी ही क्वेरीज हम शामिल करेंगे। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया शामिल होने के लिए। कोई डिस्क्लोजर राजेश आपकी ओर से? जिन भी स्टॉक्स में चर्चा हुई है उसमें मेरी पर्सनल कोई भी होल्डिंग किसी में भी नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स में क्लाइंटों की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पोजीशन हो। ऑलराइट, लोकेश आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग कमेंट्स? साक्षी, आई डोंट हैव एनी पर्सनल होल्डिंग, द स्टॉक्स वी हैव डिस्कस्ड माइट बी इन द पोर्टफोलियोज ऑफ द क्लाइंट्स। चलिए, इसी के साथ समेट लेते हैं आपका बाजार को यहीं। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश आपका और राजेश आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए आपका बाजार के इस एडिशन में।